झूठ है कि उसे याद हूँ मैं, झूठ है कि उसे याद हूँ मैं, इस बहाने से ही आज़ाद हूँ मैं। तो एक शायरी के साथ शुरुआत करना चाहूँगी कि रिवायत है अपने ज़ख्म सबको गहरे लगते हैं, रिवायत है अपने ज़ख्म सबको गहरे लगते हैं, मुझको सुनने वाले आज मुझी को बहरे लगते हैं। और जो मोहब्बत पर विश्वास के किस्से सुनाते हैं वो, और जो मोहब्बत पर विश्वास के किस्से सुनाते हैं वो, मोहब्बत जानती है उस पे शक के कितने पहरे लगते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कीर्ति है और मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगी कि आप सभी ने ये चीज़ सुनी होगी कि एक आदमी से उसकी सैलरी और एक औरत से उसकी उम्र और एक टूटे दिल वाले से उसका कभी हाल नहीं पूछना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो पूछने आते हैं कि और सुनाओ, तो उन्हीं के लिए जवाब में लिखा था कि क्या सुनाए, क्या सुनाए, हाल सुनाए, ख्याल सुनाए या सुनाए हालात तुम्हें, क्या सुनाए, हाल सुनाए, ख्याल सुनाए या सुनाए हालात तुम्हें, खुद को ठीक बताएं, अच्छा बताएं, बुरा बताएं या बताएं जज्बात तुम्हें, दिन को रात बताएं, रात को दिन बताएं, वो साथ नहीं अब ये बताएं, अब इससे ज़्यादा और क्या बताएं। शुक्रिया। छोड़ जाने की वजह बताएं या साथ को उसके कज़ा बताएं, जहन में छपे वो दाग दिखाएं या अब इससे खुलकर और क्या बताएं, उस पर लिखी वो नज्म सुनाएं या उसकी झूठी कसम गिनाएं, उससे सीखा तुम्हें बताएं, हाँ बात घुमाना तुम्हें सिखाएं, जान था वो तुम्हें ये बताएं या जिस्म पर उसका नाम दिखाएं, जान था वो तुम्हें ये बताएं या जिस्म पर उसका नाम दिखाएं, काफ़ी है या और सुनाएं या आँखों से अब आंसू गिराएं। तो इसके बाद एक लिखा था मैंने कि एक रिश्ते को बचाने के लिए ना कई बार एक लड़का हो या फिर वो लड़की हो उसको बचाने के लिए अपना आत्मसम्मान भी दाव पर लगा देता है, पर बाद में ना फिर वही रिश्ता उसके आत्मसम्मान पर भारी पड़ने लगता है। तो उसी पर लिखा था कि खुद को गिरा कर रिश्ता बचा रहे थे हम, खुद को गिरा कर रिश्ता बचा रहे थे हम, मोहब्बत उसे भी है खुद को बता रहे थे हम। शुक्रिया। लौट आएगा वापस तो लिपट कर रोएंगे दोनों, लौट आएगा वापस तो लिपट कर रोएंगे दोनों, खुद से फरेब बाखूबी निभा रहे थे हम। खास जरूरत नहीं थी उसको मेरी, खास जरूरत नहीं थी उसको मेरी, फिर भी बिन बुलाए ही वापस जा रहे थे हम। उसका जिक्र हुआ तो किस्सा सुना रहे थे हम, उस किस्से में भी उन्हें अपना बता रहे थे हम। वक्त रहते खुद को आईना दिखा रहे थे हम, कागज पर नाम लिख उनका खुद ही मिटा रहे थे हम। शुक्रिया। तो अब गौर फरमाइएगा कि कुछ खास पंक्तियाँ एक खास शख्स के लिए लिखी हैं, तो फरमाना चाहूँगी कि उसे मेरी तरह लफ्ज़ों में प्यार जताना नहीं आता, उसे मेरी तरह लफ्ज़ों में प्यार जताना नहीं आता, मैं रूठ जाऊँ अगर तो उसे मनाना नहीं आता, छुपाता बहुत कुछ है उसे बताना नहीं आता, सालों बाद भी उसे तारीखें भुलाना नहीं आता, तंग बहुत करता है मगर उसे सताना नहीं आता, तंग बहुत करता है मगर उसे सताना नहीं आता, डांट भले ही दे मगर उसे रुलाना नहीं आता, उसके पास रहती हूँ तो शहजादी सी रखता है, बदतमीजी तो दूर उसे तू कह बुलाना नहीं आता। शुक्रिया। तो आज जो मैं पोइट्री सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है हम संभाल लेंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि जब एक रिश्ता शुरू होता है ना तो स्टार्टिंग में लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से बहुत से वादे करते हैं कि हम संभाल लेंगे इसे, पर फिर वो नहीं संभाल पाते, उसे अंजाम तक नहीं पहुँचा पाते। तो उसी पर लिखा था कि साथ रहने के सौदे में खुशियाँ दाव पर लगी थी, पर फैसला तो यही किया था कि खुशी मिले या गम हम संभाल लेंगे, साथ रहने के सौदे में खुशियां दाव पर लगी थी, पर फैसला तो यही किया था कि खुशी मिले या गम हम संभाल लेंगे, जब बातें बिगड़ेंगी और रातें रोज झगड़ेंगी, जब खुन्नस सर पे छाई होगी और तुम्हें पता हो अब लड़ाई होगी, हम संभाल लेंगे, जब उसका मेल ईगो आड़े आने लगेगा और मेरा एटीट्यूड थोड़ा ज़्यादा भाव खाने लगेगा, हम संभाल लेंगे,
तो कब आया वो मोड़ जब रिश्तों के सौदे में उसे मुनाफा कम लगने लगा और उसने बस कह दिया कि अब बात मत करना मुझसे। और फिर बात हुई ही नहीं, ना कभी उसने जिद की और ना कभी मैंने पहल की। तो मैंने भी एक टूटे दिल वाले आशिक की तरह खुद को समझाना शुरू कर दिया। वो क्या है ना कि तसल्लियां महफूज रखती हैं इरादे, क्योंकि नाकाम होना किसको मंजूर है। तो एक समय आया जब तसल्लियां साथ छोड़ने लगी थी और यादें वापस मोड़ने लगी थी, जब उसे शिकायतें कम थी और उसकी परवाह ज़्यादा, जब वो गलत थोड़ा कम था और मेरा पिघलता सा मन था, जब आंसुओं के पास बहाना था और मुझे बस वापस जाना था। तब सवालों की दीवारों के बीच कैद पाती थी मैं खुद को, चाहती थी कि एक बार इन दीवारों को गिरा कर वो मुझसे पूछे कि ठीक हो तुम, और मैं बदले में ना कह दूँ। पर जैसे ही मैं खुद को रोता हुआ पाती तो वो सवाल भी मेरे ख्याल की तरह सवालों की दीवारों के नीचे दब जाते। बात कहाँ बिगड़ी, ये सवाल नहीं महज एक बहस का मुद्दा था जिस पर रोज घंटों मेरा दिल और दिमाग लंबी बहस करते थे, और थक जाते तो कहते शायद तब जब साथ रहने के सौदे में खुशियां दांव पर लगाई थी। शुक्रिया।